हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएच क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम जो एजेस के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उनकी जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं उनको देखेंगे, उनको बताएंगे, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ मोहन एंड सोहन इज इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो मोहन और सोहन की प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज के लिए हम पी लिखेंगे, उसका रेशियो क्या है, ये एम फॉर मोहन एस फॉर सोहन, उनका रेशियो दे रखा हमें 2:1। नेक्स्ट इज 5 ईयर लेटर्स इट बिकेम 3:2। तो 5 ईयर लेटर का मतलब है कि 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद मतलब प्लस फाइव में इसका क्या रेशियो हो जाएगा, वो हो जाएगा 3:2। तो यहाँ पे हम, और यहाँ पे देखा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन की जो प्रेजेंट एज है वो बतानी है हमें। तो इसके अंदर हम सबसे पहले रेशियो देखते हैं, 3:2 का क्या रेशियो, मतलब क्या डिफरेंस है, 1। तो इनका डिफरेंस 1 आ गया। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोबारा से एक बार डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पर 2 2 4 और 1 3 3। तो दोबारा से हमारे पास जो डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे D1 बाय जो D2 है वो क्या हो गया हमारे पास, 1/1। तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे, जो भी मतलब कि या तो ये माइनस में हो या प्लस में हो, तो उनका जो सम टोटल आएगा उसका सम। तो यहाँ पे खाली प्लस 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 आंसर आ गया। उसके बाद हम जो रेशियो था प्रेजेंट एज का जो हमें निकालना है वो देखेंगे। तो रेशियो था 2:1, तो यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 5, तो यहाँ पे आ गया 10 ईयर्स। और जो दूसरा 1 है उसको दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ गया 5 ईयर्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ गया, मोहन का क्या एज है प्रेजेंट में, वो 10 साल का है, और जो सोहन है वो प्रेजेंट में कितने का, 5 ईयर्स का है। तो अगर हम इसका रेशियो भी दोबारा से देखेंगे, तो अब हम चेक कर लेते हैं, अगर इनको रेशियो देखेंगे तो इनका रेशियो क्या आ रहा है, 2:1 ही आ रहा है। तो इससे हम आ रहा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 9:10। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज के लिए पी, तो इनका रेशियो क्या है, 9:10, ये ए की है ये बी की। फिर 4 ईयर लेटर इट बिकम्स 11:12। तो यहाँ पे 4 ईयर लेटर का मतलब क्या हो गया, प्लस फोर में क्या हो गया, 11/12। तो यहाँ पे इनका रेशियो 1, इनका सॉरी डिफरेंस 1 आ गया। फिर उसके बाद 9 को 12 से और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 108 और ये क्या हो गया, 110। तो इनका फिर से जो डिफरेंस करेंगे हम, तो डिफरेंस में आ गया 2। तो यहाँ पे D1/D2 करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 1/2, और साथ में जो प्लस 4 है इसी से मल्टीप्लाई यहाँ पे ही कर देते हैं इनटू 4। तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है प्रेजेंट एज निकालनी है ए की, तो उसके बाद यहाँ पे रेशियो जो था प्रेजेंट एज का वो क्या था हमारे पास, 9:10। तो ये किसकी है, ए की एज है। तो अगर हम यहाँ पे 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। और अगर यहाँ पे बी की भी निकालनी होती, तो 10 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे आ जाता 20 ईयर्स। तो इनका क्या आ गया, बी की क्या आ जाती, 20 ईयर्स। 10 ईयर्स अगो रेशियो फादर एंड सन एज वॉज 3:1। तो इसका मतलब क्या है, 10 साल पहले जो फादर है और जो उसका सन है उनका रेशियो क्या था, 3:1 एजेस का। 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 साल बाद, मतलब +10, जो उनका रेशियो हो गया वो हो गया 5:3, मतलब 5 ये 3 है। तो फिर उसके बाद उनकी प्रेजेंट एज पूछी हुई है फादर और सन की, तो पहले इनका डिफरेंस ले लेंगे, ये आ गया 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 3 3 9। तो इनका जो डिफरेंस आया वो आ गया क्या, 4। तो यहाँ पे इसे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2। फिर जो ये 1/2 है, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो भी मतलब इनका जो सम है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10,
इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं मानेंगे, इसमें बस ये खाली इंडिकेशन के लिए है माइनस कि वो 10 साल पहले है और प्लस का मतलब 10 साल बाद, तो इन दोनों का सम ही लेंगे हमेशा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20/2 दैट इज़ 10। तो यहाँ पे 10 जो आ गया उसको हम कोई भी रेशियो है उसमें पुट कर देंगे, जैसे 3:1 ये किसका है, माइनस 10 का, तो इसके अंदर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा 30 और ये सन की आ जाएगी 10। तो इसका मतलब ये क्या है, फादर की आज से मतलब 10 साल पहले जो एज थी वो थी 30 साल और सन की 10 साल पहले क्या थी, 10 साल। तो 10 साल बाद क्या होगी, क्योंकि उस 10 साल बाद क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज, क्योंकि ये माइनस 10 था, माइनस 10 में अगर हम प्लस 10 ईयर्स और कर देंगे तो क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट में जो फादर की एज है वो है 40 ईयर्स और जो सन की एज है प्रेजेंट के अंदर वो कितना हो जाएगा, इसमें प्लस 10 कर देंगे तो वो क्या है, 20 ईयर्स। और यहीं इनकी एज का गैप पूछते तो यहाँ से 20 ईयर्स आ जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ईयर्स अगो रेशियो ऑफ राम एंड श्याम्स एज इज 3:4। मतलब 4 ईयर्स अगो है तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 4। तो राम और श्याम की जो एज है उनका रेशियो क्या है, 3:4। इट बिकेम्स 14:17 आफ्टर 6 ईयर्स, मतलब 6 साल बाद, मतलब प्लस सिक्स बाद क्या हो गया रेशियो हमारा, रेशियो हो गया 14:17। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस लेंगे, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया, 3। फिर उसके बाद इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 फोर ज़ा क्या होता है, 56। और यहाँ से हम 17 थ्री ज़ा करेंगे, 17 थ्री ज़ा आ जाएगा 51। तो यहाँ पे जो इनका डिफरेंस आया हमारे पास वो आ गया 5। तो जो हमारे पास रेशियो आ गया वो आ गया 3/5। और यहाँ पे इनका जब हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, (10), तो ये आंसर आ गया यहाँ पे हमारे पास 6। तो इसके बाद 6 को हम कोई सी भी रेशियो में से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या है राम की, ये क्या है श्याम, और इसको क्या आएगा, 3:4 दैट इज़ 12 ईयर्स। और जो शाम की जो है वो क्या है, 4:6। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो आना था, यहाँ पे हमारे पास 4 नहीं आना था, यहाँ पे आना था 6। तो यहाँ पे 3:6 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18 और 4×6=24। तो ये जो 4 ईयर्स अगो है, -4 में क्या थी, जो शाम की एज थी वो 24 और राम की क्या थी, 18। और जब +4 हमें प्रेजेंट में पूछा हुआ है तो प्रेजेंट के अंदर क्या आएगा, 18 के अंदर 4 प्लस करेंगे तो 22 ईयर्स है, ये किसकी है, राम की। और जो शाम की है वो क्या हो जाएगी आपकी, 28 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक एज इज 3 टाइम्स ऑफ काजोल, जो अभिषेक की एज है, तो यहाँ पे ये अभिषेक हो गया, के फॉर काजोल, इसकी क्या है, काजोल से 3 गुना है, तो हम ये लिख देंगे ऐसे, आफ्टर 10 ईयर्स अभिषेक एज इज 2x दैट ऑफ काजोल। ये किस में है, प्रेजेंट में, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट में। और इसमें क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल बाद जो अभिषेक की एज है वो क्या आ जाएगी आपकी, 2 टाइम्स है काजोल के। तो यहाँ से अगर हम रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगी कि जो अभिषेक की एज है वो 3 है और काजोल की क्या है, 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, अभिषेक की 2 10 साल बाद और काजोल की क्या आ जाएगी, 1। तो वही हमारा जो मेथड है, यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालेंगे 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2, 3, फिर दोबारा से इनका जो डिफरेंस आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 को हम 10 जो ये वाला 10 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 10। इसमें पूछा हुआ अभिषेक की एज 5 साल बाद पूछी हुई है, तो इससे हम जो प्रेजेंट एज है उसके रेशियो में पुट कर देंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो अभिषेक की थी वो क्या थी, 3 थी, ये अभिषेक है, ये काजोल है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो 30, ये क्या होगी इसकी, प्रेजेंट एज। और इसमें पूछिए 5 साल बाद क्या होगा, तो इसमें अगर हम +5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 35 ईयर्स।
और वहीं हमारे से काजोल की भी एज पूछते तो काजोल की 1 है, तो काजोल की क्या हो जाती 10 × 1 दैट इज 10 ईयर्स, प्रेजेंट एज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 ईयर्स अगो रेशियो फादर्स एंड सन्स एज वॉज 6:1, मतलब 2 साल पहले -2 और जो फादर है और सन है उनका रेशियो क्या है 6:1। इट बिकम्स 2:1 आफ्टर 18 ईयर्स, मतलब आफ्टर 18 ईयर्स मतलब 18 साल बाद ये हो जाएगा 2:1। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन, फादर और सन की प्रेजेंट पूछिए इसमें, तो ये यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 6, ये यहाँ पे 2, इनका जो डिफरेंस आएगा वो आ गया हमारे पास 4, दैट इज 1/4 इंटू यहाँ पे करेंगे हम 18+2 से, क्योंकि यहाँ पे -2 है और +18 और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, दैट इज 20/4 5 आ जाएगा यहाँ पे। इसमें प्रेजेंट एज पूछी है फादर और सन की, तो हम देख लेते हैं जो प्रेजेंट एज का कोई हमारे पास रेशियो ही नहीं है, तो हम जो -2 वाला है उसके अंदर पुट कर देते हैं ये, तो फादर की है ये सन की, दैट इज 6×5 और 1×5, ये क्या है -2 ही है हमारे पास अभी, ये क्या आ जाएगा 30 और इसका क्या आ जाएगा 5, और इसमें प्रेजेंट एज पूछेंगे तो इसमें क्या करते हैं हम +2 दैट इज 32:7, ये आ गया उनका प्रेजेंट का रेशियो कह लो या फिर इनकी जो ईयर्स है एज आ गई है, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 2:1/3:1, मतलब जो यहाँ पे इसके अंदर कुछ नहीं करना हमें, जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है हम उसे नॉर्मल में कर लेंगे, दैट इज 2:1/3 को हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे हम आपका आ जाएगा 6:7/3:1, तो इसके अंदर क्या होगा 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो जो हमारे पास रेशियो आएगा, रेशियो क्या आएगा 7:3, तो यहाँ पे प्रेजेंट दे रखा है पी और उसके अंदर फादर है और सन है, तो रेशियो हमारे पास ये आया क्या है इनका 7:3। नेक्स्ट दे रखा है 7 ईयर्स अगो इट वॉज 3:1/2:1, दैट इज़ फिर से हम कर लेते हैं 3:1/2 को हम कैसे लिखेंगे, ये क्या होगा 7:1, पर इसके अंदर यहाँ पे नीचे क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो जो इसके अंदर है 2 साल पहले था ये क्या था 7:2, -7 क्या था 7:2, तो इसका डिफरेंस क्या है 5, फिर हम यहाँ से करते हैं ये आ गया 14, ये आ गया 21, इनका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 7, तो अब हम इसको करेंगे 5/7 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे 7 दे रखा है माइनस में, तो 7 करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, फिर हमारे पास बच गया सिर्फ 5, तो इसमें पूछा हुआ डिफरेंस पूछा हुआ उनकी प्रेजेंट एज का क्या डिफरेंस है, तो प्रेजेंट एज का अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे इसके 2 तरीके हैं, सबसे पहले तो जो रेशियो के अंदर से ही पुट करते हैं, दैट इज 7×5:3×5, तो ये क्या आ गया 35, और दूसरा कि यहाँ पे क्या आ गया ये फादर की है सन की, ये आ गया 15, तो इनका डिफरेंस क्या 20 ईयर्स, और या फिर दूसरा है हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो कैसे करेंगे, इनका जैसे जो फादर और जो सन का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5/7/3, तो इनका डिफरेंस क्या है 4, और एक की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 वो है 1, तो अगर हम इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो ये आ जाएगा 20 ईयर्स, तो इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते थे, पहले इस तरीके से और दूसरा यहाँ से, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 ईयर्स अगो रेशियो ऑफ सुशील एंड स्नेहा वॉज 3:1, मतलब 6 साल पहले -6 में सुशील और स्नेहा की क्या रेशियो है, वो है 3:1। इट बिकेम्स
फाइव डिवाइड बाय थ्री इज टू वन आफ्टर सिक्स ईयर, तो यहाँ पे छः साल बाद क्या चला जाएगा, यह आ जाएगा फाइव बाय थ्री इज टू वन, तो यहाँ पे थ्री इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइव इज टू थ्री, इनका जो माइनस सिक्स का रेशियो वो क्या हो जाएगा फाइव इज टू थ्री, फिर इनका वही डिफरेंस निकाला टू, फिर उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री थ्री ज़ा नाइन और वन फाइव ज़ा फाइव, तो इनका डिफरेंस आ गया फोर, दैट इज़ वन बाय टू, फिर वन बाय टू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स प्लस सिक्स दैट इज़ ट्वेल्व से, तो ये कट गया, इसका आंसर आ गया सिक्स। फिर उसमें पूछिए प्रेजेंट एज पूछी हुई है सुशील की क्या है, तो प्रेजेंट तो है ही नहीं हमारे पास, या तो माइनस सिक्स है छः साल पहले का रेशियो या छः साल बाद का रेशियो है, तो हम इसके अंदर जो माइनस सिक्स वाला उसके अंदर पुट कर देंगे, तो सुशील का क्या है थ्री था रेशियो में, तो उसका माइनस सिक्स के अंदर सुशील की एज क्या है, दैट इज थ्री इंटू सिक्स दैट इज एटीन ईयर्स। फिर उसके बाद प्रेजेंट क्या हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी एटीन प्लस सिक्स दैट इज ट्वेंटी फोर ईयर्स जो है प्रेजेंट में एज है सुशील की। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज सेवन एंड सेवन इज टू फाइव, जो ए और बी का रेशियो है वो क्या है सेवन इज टू फाइव। सम ऑफ देयर एजेस इज सिक्सटी, सम दे रखा है यहाँ पे, जो दे रखा है हम दोनों की एज का वो क्या है साठ, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं इनका सम ले लेते हैं, तो कितना हुआ सेवन प्लस फाइव दैट इज ट्वेल्व, तो यहाँ से जो एक की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी साठ बटे बारह दैट इज फाइव, तो ए की एज निकालनी है तो सिंपली क्या ए का रेशियो क्या है सेवन, सेवन इंटू फाइव, सेवन को फाइव से करेंगे तो थर्टी फाइव जो आ गया हमारे पास ए की एज आ गई। वहीं अगर बी की एज भी पूछते तो कुछ नहीं करना था, बी का जो रेशियो है फाइव उसको जो हमारे पास ए की वैल्यू आई उससे मल्टीप्लाई कर देते दैट इज ट्वेंटी फाइव ईयर्स। नेक्स्ट इज सम ऑफ फादर एंड सन्स एज इज हंड्रेड ईयर्स, जो यहाँ पे सम दे रखा है हमारे पास फादर का प्लस सन की एज का वो क्या है हंड्रेड ईयर्स। फाइव ईयर्स अगो देयर रेशियो वॉज टू इज टू वन, दैट इज माइनस फाइव में फादर का और सन का क्या रेशियो था, वो था टू इज टू वन। फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन्स आफ्टर टेन ईयर्स, तो हमारे पास माइनस दस साल का पता है रेशियो क्या था और यहाँ पे प्रेजेंट का सम पता है, तो अगर माइनस फाइव है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फादर है उसका भी फाइव है माइनस में और जो सन है उसका भी फाइव है माइनस, क्योंकि दोनों की पाँच साल पहले का है, तो दोनों का अगर हम सम करेंगे तो यहाँ पे आ गया टेन ईयर्स। फिर जो ये वाला टेन ईयर्स है इसको हम प्रेजेंट में से माइनस कर देंगे जो प्रेजेंट एज है, तो उससे क्या आ जाएगा जो माइनस फाइव ईयर्स है उसका सम आ जाएगा कितना है, तो फिर यहाँ पे माइनस फाइव का जो सम आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हंड्रेड जो कि प्रेजेंट का था, और अगर माइनस फाइव ईयर्स जाएंगे दोनों का मिला के तो उसमें से दस माइनस कर देंगे तो वो क्या आ गया नाइन्टी, तो नाइन्टी क्या है सम है हमारा माइनस फाइव का, और जो रेशियो था वो था टू इज टू वन फादर और सन का, और वहीं इनका जो सम है सम क्या है नाइन्टी, तो यहाँ पे इनका जो सम करेंगे तो थ्री और यहाँ पे नाइन्टी, तो यहाँ पे जो एक की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी तीस ईयर्स, तो यहाँ से फादर की आ गई सिक्सटी ईयर्स माइनस फाइव के अंदर, और जो सन की आ गई वो क्या आ गई थर्टी ईयर्स। अब पूछा हुआ उनका रेशियो पूछा हुआ है दस साल बाद क्या होगा, सबसे पहले हमें इसके को प्लस फाइव करना पड़ेगा प्रेजेंट एज निकालने के लिए, तो ये आ क्या आ गई सिक्सटी फाइव और इसकी आ गई प्लस फाइव करके थर्टी फाइव, ये आ गया प्रेजेंट का, पर जो क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि दस साल बाद क्या होगा, तो इसके अंदर फिर से हमें दस साल जोड़ने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ये क्या आ गया सेवेंटी फाइव इज टू फोर्टी फाइव, तो अगर हम इसे काटेंगे तो फिफ्टीन और ये क्या आ गया ये आ गया नाइन, ये और भी सिंपल हो सकता है ये क्या आ गया फाइव इज टू थ्री, तो जो प्लस टेन ईयर्स बाद जो रेशियो होगा फादर एंड सन का
वो आएगा 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 90 ईयर्स। जो सम है ए का, बी का और सी का, वो क्या है 90 ईयर्स। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा कि 10 साल पहले या बाद में, तो हमेशा ये क्या होता है, हमारा प्रेजेंट एज होती है ये। फिर उसमें पूछा, बता रखा है 6 ईयर्स अगो रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 1:2:3। तो यहाँ पे 6 साल पहले का दे रखा है कि उनका रेशियो क्या था, तो 6 साल पहले दे रखा है, तो हम इनमें सिंपली पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें तीनों का 6 साल ईयर्स पहले पूछा था, तीन को से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 18। और जो ये 18 आया, हम इसको 90 में से, प्रेजेंट एज में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 72 बच गया। 72 क्या है, ये है ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है, वो कितना हो गया माइनस सी, माइनस जो 6 ईयर्स में है, ये आ गया 72। और यहाँ पे हमारे को रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या है इनका माइनस 6 में, 1:2:3। तो ये क्या होगा 6, और यहाँ पे क्या होगा 72। तो इस 6 से हम 72 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा, जो एक की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आ गया 12। मतलब जो एक यूनिट की वैल्यू है वो है 12, और उन्हें प्रेजेंट में पूछा हुआ है, तो इस हिसाब से ए की एज क्या होगी 12 ईयर्स, बी की क्या होगी 24, और सी की क्या होगी 36 ईयर्स। पर ये क्या है, ये माइनस 6 ईयर्स की जो है, माइनस 6 में इनकी ये एज थी, तो प्रेजेंट का रेशियो पूछा हुआ है, तो प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में ए की हो जाएगी 12+6, बी की 24+6, और सी की जो आएगी 36+6, तो दैट इज 18। फिर उसके बाद ये हो गया 30, ये हो गया 42 ईयर्स। ये आंसर के टाइप के, इन मतलब जैसे आंसर में हम लिखते हैं पॉइंट में, वैसे ही शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ए माइनस बी का क्या है 16 साल, मतलब जो एज का डिफरेंस है ए की और बी का, वो क्या है 16 ईयर्स। दूसरा 6 साल पहले का रेशियो दे रखा है, दैट इज़ माइनस 6 ईयर का रेशियो दे रखा है, वो क्या है 3:1। और ये जो डिफरेंस दे रखा है, ये क्या प्रेजेंट का दे रखा है, तो नॉर्मल बात है कॉमन सेंस वाली कि जो ए और बी, जो भी दो व्यक्ति हैं, उनका जो एज का डिफरेंस होता है, अगर वो 6 साल पहले 16 था तो 6 साल बाद भी 16 ही रहेगा, ये क्या होता है हमेशा सेम ही रहेगा पूरे लाइफ लॉन्ग जब तक वो जिएंगे। तो यहाँ पे जो इनका, यहाँ पे अगर हम इनका देखें डिफरेंस क्या है 2, और इनका इस 2 की यूनिट की वैल्यू क्या है 16 ईयर्स, यहाँ से ये जो दे रखा है हमें कि उनका जो एज का डिफरेंस है वो 16। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की होगी 8 ईयर्स, और 3 की वैल्यू क्या आगी, 3 की आगी यहाँ पे 24 ईयर्स। तो यहाँ पे माइनस 6 का पता चल गया हमारे पे कि उनका एज क्या थी माइनस 6 में, ए की एज थी, सॉरी बी की एज जो थी वो थी 8 साल, और ए की जो एज है वो क्या थी 24 साल। तो प्रेजेंट निकालना है, प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में हमें प्लस 6 करना पड़ेगा सब में, तो फिर ये क्या होगा बी के में 8 करेंगे प्लस 6, तो ये क्या आएगी बी की, और ए की क्या आएगी 24+6, दैट इज़ 30 ईयर्स। और यहाँ पे जो बी की आगी वो क्या आगी, वो आगी 14 ईयर्स एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख क्या दे रखा है, दीपक माइनस अरुण की एज का डिफरेंस, मतलब जो दीपक और अरुण की एज का डिफरेंस है वो क्या है 14 ईयर्स, सेम पिछले वाले की तरह ही है। और फिर माइनस 7 में दे रखा है, माइनस 7 में क्या दे रखा है, यहाँ पे दीपक का रेशियो है 7 और अरुण का क्या है 5, तो इनका डिफरेंस क्या है 2, और यहाँ पे क्या है इनकी एज का डिफरेंस वो क्या है 14। तो यहाँ से जो एक की आ गया, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 ईयर्स, और 7 वाले मतलब दीपक का क्या आ जाएगा 7 × 7 = 49 ईयर्स, और जो अरुण है, अरुण की का क्या आ जाएगा, ये क्या आ गई दीपक की, ये आ गई अरुण की,
अरुण का क्या रेशो था 5, तो यहाँ पे 5 × 7 दैट इज़ 35 ईयर्स। पर ये कौन सी आई हमारे पास, ये आई है हमारे पास -7 में क्या एज थी उनकी। फिर उसके बाद प्रेजेंट में क्या एज आएगी उनकी, तो दीपक का क्या होगा दैट इज़ 49 + 7 और अरुण की क्या होगी, अरुण की हो जाएगी 35 + 7। तो यहाँ पे सिर्फ दीपक की पूछी हुई है, तो 49 + दैट इज़ 56 ईयर्स जो एज है दीपक की प्रेजेंट में क्या है 56, 56 साल का है दीपक। और यहाँ पे अगर हम अरुण की भी देख लें तो कुछ नहीं है, हमें सिर्फ प्लस ही करना है, तो इसका क्या हो जाएगा 42 ईयर्स दीपक की एज है, सॉरी अरुण की एज है, अरुण की 42 ईयर्स। नेक्स्ट दे रखा है हमारे को कि सोनल और सोनम का जो एज का रेशियो है वो क्या है 5:2। और अगर हम अगर इनका प्रोडक्ट कर देते हैं सोनम और सोनल का तो क्या आएगा 90 ईयर्स। तो यहाँ पे उन दोनों का सम निकालना है, तो अगर हम इसे ये मान लें 2x जो है वो है सोनल की और ये क्या है सोनम की, सोनम का क्या है 5x। तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट निकाल दें इनका 2x × 5x = 90 ईयर्स, तो यहाँ पे क्या होगा x² और यहाँ पे चला गया बाय ये, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो यहाँ से जो हमारे पास सोनल की एज आएगी वो क्या है 3 ईयर्स × 2 दैट इज 6 ईयर्स उसकी एज है। और यहाँ पे जो सोनम है उसका क्या है 5 × x³ दैट इज 15 ईयर्स। और हमसे पूछा क्या इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा फिर दैट इज 21 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ रीना की, प्रेजेंट एज क्या है 15 साल। और रीना और राहुल का रेशियो दे रखा है हमारे पास, क्या है रीना और क्या है राहुल, उनका रेशियो दे रखा है 5:7। और उसके बाद दिनेश और राहुल का भी दे रखा है, तो यहाँ पे दिनेश को भी ले लेते हैं। दिनेश और राहुल का क्या है यहाँ पे दे रखा 5:3, मतलब जो राहुल है उसका 3 और दिनेश का क्या है 5। तो ऐसे जब मिक्स्ड इसके अंदर 3 जनों का हो और यहाँ पे एक का ना पता हो, तो यहाँ पे अगर हम इस 7 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और इस 3 को यहाँ पे भी शिफ्ट कर देंगे और फिर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे जो रीना का आ जाएगा रेशियो वो क्या आ जाएगा 15, राहुल का क्या आएगा 7 × 3 = 21 और जो दीपक का गया 7 × 5 = 35। तो ये 30 ये क्या है, ये यहाँ पे 5 है दैट इज 5। तो ये हमारा इनका रेशियो आ गया प्रेजेंट एज का। यहाँ पे दे रखा जो रीना की प्रेजेंट एज है वो है 15 ईयर्स ही दे रखी है, तो और से रेशियो में अगर इसकी 15 है तो इसका मतलब जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पे राहुल की भी एज क्या हो जाएगी 21 और दीपक की प्रेजेंट एज क्या है 35। तो पूछ रखा है यहाँ पे फाइंड द एज ऑफ दिनेश आफ्टर 4 ईयर्स, तो जो दिनेश है उसकी पूछ रखी है एज 4 साल बाद क्या होगी। प्रेजेंट में वो 35 साल का है और 4 साल बाद कितना का हो जाएगा, वो हो जाएगा 39 ईयर्स का। समीर एंड फादर्स का जो रेशियो दे रखा है 1:4 और समीर और उसकी बहन का रेशियो दे रखा है और उसमें पूछ रखा है प्रेजेंट रेशियो बताना है समीर उसके फादर और उसकी सिस्टर का क्या होगा। तो यहाँ पे फादर समीर और सिस्टर लिख लेते हैं, फादर और समीर का क्या है 4:1। नेक्स्ट दे रखा है समीर और उसकी बहन का, समीर का 2 और उसकी सिस्टर का क्या है 3। तो यहाँ पे ये 1 यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाएगा और ये जो 2 है यहाँ पे शिफ्ट भी हो जाएगा, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 8:2:3। तो यहाँ पे जो आंसर हो गया उनकी प्रेजेंट एज का वो क्या है, जो रेशियो जो है वो क्या है 8:2:3। ये किसका है, फादर का, ये समीर का और ये उसकी सिस्टर का।
और क्वेश्चन में जबकि पूछा हुआ था समीर फादर एंड सिस्टर, तो इसके हिसाब से क्या ठीक होगा जो रेशियो वो होगा समीर का क्या है 2:8:3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास 2:8:3। नेक्स्ट इज राम एंड सन का रेशियो दे रखा है, राम और राम के पिता का रेशियो दे रखा है और उनकी एवरेज दे रखी है। और इसमें निकालना क्या है, रेशियो निकालना है राम राम के लड़के के और राम के पिता के बीच में। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, राम ये राम का सन और ये राम के फादर। तो यहाँ पर इसमें रेशियो दे रखा है राम और राम के सन में क्या है 3:1। और फिर उसके बाद दे रखा है जो राम है और राम के पिता का रेशियो दे रखा है वो क्या 2:5। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ये नहीं है और ये भी नहीं है तो इसमें हम शिफ्ट नहीं कर सकते। इसमें जैसे बीच में आ गया तो इसमें ये नहीं पता हमें 5 वाले को शिफ्ट करें या 2 वाले को। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे ऊपर जो दोनों में कॉमन है तो दोनों में कॉमन किसका दे रखा है हमारे पास, राम का पता है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जैसे जो नीचे है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ऊपर वाला रेशियो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, दैट इज़ 2 से मल्टीप्लाई करा 6:2 और यहाँ पर डैश, और यहाँ पर क्या आएगा 6, ये भी डैश है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 5 को 3 से करेंगे हम तो यहाँ पे क्या आ गया 15। तो अब ये कॉमन देख इसको कैसे लिख देंगे 6:2:12, ये हमारे पास इनका रेशियो का आंसर आ गया और यही पूछा हुआ था। और यहीं पे अगर हमारे से इनकी एजेस पूछ लेते तो एज कैसे निकालते, जैसे हमारे को एवरेज एज दे रखी है, एवरेज क्या है 46, तो अगर उनकी टोटल का सम निकालेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, 46 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 है और एवरेज निकाल रखा है। तो टोटल सम हो गया कि उनकी एज का क्या सम होगा, और उसके बाद यहाँ पे रेशियो का सम ले लेते हैं 15:6:21 और 21:23। तो यहाँ पे 23 यूनिट की वैल्यू क्या है 46 × 3, तो यहाँ पे 23 से ये कट गया 2 से, तो यहाँ पे 1 यूनिट की क्या वैल्यू है, 1 की वैल्यू है 6। तो सिंपल जो हमारे पास रेशियो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो राम की क्या एज होगी, राम की होगी 6 × 6 दैट इज़ 36। सन की एज क्या होगी, सन की होगी 2 है को इंटू 6 से मल्टीप्लाई दैट इज़ 12 ईयर्स। और जो उसके फादर है राम के उनकी क्या एज होगी, वो है 15 × 6 दैट इज़ 90 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो राम की प्रेजेंट एज में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास x की एज आ जाएगी। उसके बाद क्या है, x/18 एज क्या है शाम की, जो मतलब शाम की एज है वो x से को अगर हम 18 से डिवाइड करते तब आती है। फिर यहाँ पे दे रखी है हमें मुकेश की एज दे रखी है, मुकेश की एज क्या है 5 ईयर्स, तो ये कन्फर्म स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद एज ऑफ शाम क्या है, शाम की एज क्या है 2 ईयर्स यंगर देन मुकेश, तो यहाँ पे हमारे पास शाम की सीधी एज आ जाएगी क्योंकि हमें मुकेश की पता है। तो शाम की क्या हो जाएगी, मुकेश की क्या है 5, उससे 2 साल छोटा दैट इज़ 3 ईयर्स क्या होगी शाम की एज। और यहाँ पे हमारे को शाम 2 बार दे रखा है, एक और स्टेटमेंट में शाम था कि शाम की जो एज है वो किसके बराबर है x/18, तो यहाँ से हम x की एज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x की एज क्या आ जाएगी 3×18, जो कि होगा यहाँ पे अगर हम सिंपल, अगर आपको एक और कैलकुलेशन करनी सिखा देते हैं, इसमें हम सिंपल कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद प्लस करके 3 को 8 के साथ कर लो और उनका सम आ जाएगा, ये क्या होगा 30+8 3 = 24 दैट इज़ 54। यहाँ पे हमारे पास x की एज आ गई 54 ईयर्स। और इसमें प्रेजेंट एज राम की पूछी हुई है, तो राम की एज के लिए क्या करेंगे हम, जो सबसे पहले वाली स्टेटमेंट है उसमें क्या दे रखी है कि जो राम की एज में से अगर हम 6 ईयर्स माइनस कर देते हैं तो x की एज आ जाएगी। तो राम की एज क्या होगी, x+6 दैट इज़ 54+6 दैट इज़ 60 ईयर्स। तो यहाँ से हमारी राम की एज आ गई।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो TM और जो TN कॉलेज की बुक्स हैं इंस्टीट्यूट्स के, उनके जो एजेस के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, सारे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। थैंक यू।